बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत रिफ्रेशिंग सा, बहुत ही टेस्टी मोहब्बत का शरबत। रहमतों वाले महीने में मोहब्बत भरा शरबत दिलो दिमाग को ताजगी देता है। इतना हेल्दी और रिफ्रेशिंग होता है। जब आप इसको अफ्तार में बनाकर पियेंगे तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। बहुत ही ईजी और क्विक से बनने वाला है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मोहब्बतों भरा शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया है और दूध को बॉयल कर लिया है। आप टेट्रा पैक वाले दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, उसको गर्म कर लीजिएगा। तो अब क्या करेंगे कि गर्म दूध में ही चीनी ऐड करेंगे। 1 कप चीनी का यूज़ किया है मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। हम अगर ठंडे दूध में चीनी ऐड करते तो वो डिजॉल्व होने में टाइम लेती, इसलिए मैंने गर्म दूध में ही चीनी ऐड की है ताकि ये जल्दी से डिजॉल्व हो जाए। तो जी, यहाँ पर चीनी अच्छी तरह से डिजॉल्व हो चुकी है। अब दूध को हमने और अच्छे से चिल होने देना है। तब तक नेक्स्ट स्टेप में हम फ्रूट कट कर लेते हैं। तरबूज ऐड करेंगे इसमें हम हसबे ज़रूरत। मेरे पास ही तकरीबन 2 kg का तरबूज था। जब मैं इसका छिलका रिमूव करके इसको शरबत में ऐड करूंगी तो ये तकरीबन 1 kg या 750 ग्राम्स रह जाएगा, इसलिए मैं सारा ही इसमें ऐड करूंगी। अब तरबूज को हमने इस तरह से बारीक बारीक काट लेना है। चैनल पर अगर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, तरबूज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इतनी देर में दूध भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो अब दूध को एक बड़े पॉट में ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1/2 कप लाल शरबत, जो भी आपके घर में हो वो ऐड करेंगे। लाल शरबत भी आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद तरबूज ऐड करेंगे इसमें। तरबूज ऐड करके भी इसको मिक्स कर लेंगे। बर्फ ऐड करेंगे इसमें हसबे जरूरत और शरबत को अच्छी तरह से हिलाकर इसको खूब अच्छी तरह से चिल कर लेंगे। आप इसमें आइस ऐड नहीं करना चाहें तो आप चीनी की क्वांटिटी इसमें कम कर दें, क्योंकि बर्फ़ की वजह से ही हमने इसमें चीनी ज़्यादा ऐड की थी। जब आइस मेल्ट होगी तो इसका चीनी का लेवल खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए अगर आपने बर्फ ऐड नहीं करनी तो आप चीनी इसमें कम ही ऐड कीजिएगा। इसके बाद इसको फ्रिज या फ्रीज़र में अच्छी तरह से चिल कर लीजिएगा। बस ये मोहब्बतों भरा शरबत हमारा रेडी हो चुका है। आप इसको अफ्तार में बनाएं, बहुत ही रिफ्रेशिंग और एनर्जेटिक होता है। ये तरबूज जो हमने इसमें ऐड किया है, रोज़ों में पानी की कमी की वजह से हमारे जिस्म में जो डिहाइड्रेशन हो जाती है ये उसको पूरा करता है। और ये इतने मज़े का बनता है कि जब आप इसका सिप लेंगे और तरबूज को इसके साथ खाएंगे तो सिप के साथ तरबूज का आपको इसमें बहुत ही क्रिस्पी फ्लेवर आएगा, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। रमज़ान के बाद अब गर्मी स्टार्ट हो रही है, तो आप गर्मी में भी इस ठंडे ठार शरबत को बनाकर पिएं, बहुत ही ताजगी का एहसास होगा आपको। होपफुली आपको मेरी आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।